हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर एसएस भाषण सर के डायरेक्टर करियर के बारे में बताएंगे। एसएस भाषण ने 1948 में आई मूवी चंद्रलेखा से अपने डायरेक्टर करियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में टीआर राजकुमारी, एस के राधा, सुंदरी बाई, रंजन और गोपाल कृष्णा शामिल थे। इस मूवी का बजट 30 लाख रहा। भारत में कमाई 70 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,55,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1949 में एसएस भाषण की मूवी आई निशान। इस मूवी के लीड कास्ट में भानुमति, रंजन, जीएस कश्यप और एस के राधा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1950 में एसएस भाषण की मूवी आई मंगला। इस मूवी के लीड कास्ट में भी भानुमति, रंजन और विजय राव शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। 1951 में एसएस भाषण की मूवी आई संसार। इस मूवी के लीड कास्ट में स्वराज, मोहना, आगा और डेविड अब्राहम शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1952 में एसएस भाषण की मूवी आई मिस्टर संपत। इस मूवी के लीड कास्ट में मोती बाई, पद्मनी, सुंदरी बाई, कन्हैया लाल, आगा और कैलाश शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1954 में एसएस भाषण की मूवी आई बहुत दिन हुए। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे एसएस भाषण। इस मूवी के लीड कास्ट में मधुबाला, सावित्री, ललिता पवार, रतन कुमार और कन्हैया लाल शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1955 में एसएस भाषण की मूवी आई इंसानियत। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे एसएस भाषण। इस मूवी के लीड कास्ट में दिलीप कुमार, देवानंद, बीना रॉय, विजय लक्ष्मी, आगा और बल्लाल सैनी शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा। भारत में कमाई 75 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,50,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1958 में एसएस भाषण की मूवी आई राजतिलक। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे एसएस भाषण। इस मूवी के लीड कास्ट में जेमिनी गणेशन, बयंती माला, पद्मनी, दुर्गा कोटे, ललिता पवार और प्राण शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बिलो एवरेज रही। 1959 में एसएस भाषण की मूवी आई पैगाम। इस मूवी के लीड कास्ट में दिलीप कुमार, बयंती माला, राजकुमार, मीनू मुमताज, जॉनी वॉकर और मोतीलाल शामिल थे। इस मूवी का बजट 60 लाख रहा। भारत में कमाई 1,40,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1960 में डायरेक्टर रामानंद सागर की मूवी आई घूंघट। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे एसएस भाषण। इस मूवी के लीड कास्ट में भारत भूषण, आशा पारेख, बीना रॉय, प्रतिभा देवी, मीनू मुमताज और आगा शामिल थे। इस मूवी का बजट 40 लाख रहा। भारत में कमाई 80 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,60,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1961 में एसएस भाषण की मूवी आई घराना। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे एसएस भाषण। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, आशा पारेख, ललिता पवार, मीनू मुमताज, राजकुमार और विपिन गुप्ता शामिल थे। इस मूवी का बजट 60 लाख रहा। भारत में कमाई 1,25,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,50,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1963 में डायरेक्टर किशोर साहू की मूवी आई गृहस्थी। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे एसएस भाषण। इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, मनोज कुमार, ललिता पवार, राजश्री, रुसवा कोटे, महमूद और कन्हैया लाल शामिल थे। इस मूवी का बजट 45 लाख रहा। भारत में कमाई 50 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1967 में एसएस भाषण की मूवी आई औरत। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे एसएस भाषण। इस मूवी के लीड कास्ट में राज खन्ना, पद्मनी, ललिता पवार, अचला सचदेव, फिरोज खान और प्राण शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1968 में एसएस भाषण की मूवी आई तीन बहुरानी। इस मूवी के लीड कास्ट में पृथ्वीराज कपूर, राजेंद्र नाथ, कंचना, जयंती, शशिकला, जगदीप और रमेश देव शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1959 में एसएस भाषण की मूवी आई शतरंज। इस मूवी के प्रोड्यूसर भी थे एसएस भाषण। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेंद्र कुमार, वहीदा रहमान, शशिकला, अचला सचदेव, हेलन, महमूद, मदनपुरी और आगत शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। और यही अब तक की एसएस भाषण सर की बॉलीवुड में रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको एसएस भाषण सर का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज दोस्तों, थैंक यू।